छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के लिए जांजगीर चांपा लोकसभा में नाम निर्देशन पत्र खरीदने और जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन जिला निर्वाचन कार्यालय में भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म खरीदा और बसपा प्रत्याशी रोहित डहरिया ने नामांकन फॉर्म भी जमा कर दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया के प्रतिनिधि और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश पैगवार ने नामांकन फॉर्म खरीदा और 18 अप्रैल को कांग्रेसी नेताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने की तैयारी की है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत हुए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, उनके लिए मैं नामांकन फॉर्म लेकर जा रहा हूँ और 18 अप्रैल को हमारे सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ में विधिवत नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ऐसी थी, हम ठान लिए थे, हम पहला दिन और पहला एक नंबर पे ही हम अपना दाखिल करेंगे नामांकन, और मैंने निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन दाखिल किया है। कैसे किस रूप में देख रहे हैं आप जांजगीर चांपा लोकसभा को? बहुत ही अच्छा है जांजगीर चांपा लोकसभा के सभी मेरे मतदाता भाई एवं बहन और सभी मीडिया वाले बहुत ही अच्छे हैं और हमको मदद करेंगे। 03 जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ था। आज हमने 8 फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और हमारे पास एक फॉर्म जो कि अभी तक जमा भी हो गया है आज पहले दिन ही। इसके अलावा कल, क्योंकि हमारा पब्लिक हॉलीडे है सेकेंड सैटरडे होने के कारण और 17 को रामनवमी होने के कारण, इन दो दिन हम फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा 4 दिन और शेष हैं, तो 19 अप्रैल को 3 बजे तक जो भी अपना नाम निर्देशन पत्र जमा करना चाहते हैं वो सभी जमा कर सकते हैं।